पिथलिया जी ने भी साड़ा विधानसभा से टिकट मांगा था, लेकिन टिकट एक को मिलता है, डॉक्टर रतनलाल जी जाट को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया और कुछ कारणों से उन्होंने निर्दलीय फॉर्म भरा था, लेकिन उन्होंने इस जो दो दिन बाद में उन्होंने निर्दलीय फॉर्म वापिस उठा लिया और उन्होंने भाजपा के प्रति समर्थन किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा। लेकिन आज आपने देखा होगा कि जैसे ही डॉक्टर सतीश जी पूनिया के सामने जब उन्होंने जो दो दिन से यहाँ पे जिस प्रकार का दुष्प्रचार हो रहा था विधानसभा में उसका खंडन किया और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ डॉक्टर रतन लाल जी का प्रचार करने की घोषणा की, उसी दौरान हड़बड़ाहट में और हार के डर से बौखलाई हुई कांग्रेस सरकार ने उनके घर पे नोटिस चिपकाया और उनको क्वारंटाइन का जो नोटिस दिया कि इनको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस सरकार के बड़े नेता है जो यहाँ के मुखिया है वो भी तो अदर स्टेट में जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या उन्होंने इस तरीके की कोई जांच करवाई है? जबकि पिथलिया जी के बारे में कहना चाहूंगा वो तो यहीं पे थे, अपने गुरु जी के पास गए हुए थे, लेकिन जिस प्रकार की बौखलाहट और हार के डर से इस तरीके की दोहरी राजनीति कर रहे हैं, कूटनीति कर रहे हैं, लोगों को डरा धमकाने का काम कर रहे हैं, ये नहीं होगा। और पिथलिया जी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और साड़ा विधानसभा में कमल का फूल खिलाने में पूरा सहयोग कर रहे हैं।